कहाँ हो मेरे प्यारे बच्चों? स्कूल नहीं जाना है क्या? दादी दादी माँ, हम तैयार हैं। दोनों बच्चे रोजाना समय पर स्कूल जाया करते थे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विकी टेक क्रिएशंस। आज हम बना रहे हैं अपनी कार्टून स्टोरी का थर्ड सीन। जो आपने स्टार्टिंग में देखा वही सीन हम क्रिएट करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर प्रॉप में जाकर बैकग्राउंड ले लिया है और इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लीजिए। उसके बाद हम सारे कैरेक्टर्स ले लेंगे कस्टम में जाकर, जो हमने पहले से क्रिएट किए हुए कैरेक्टर्स हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला कैरेक्टर हमने ले लिया है ओल्ड वुमेन कैरेक्टर, और बाकी दोनों कैरेक्टर हम ले लेंगे जो है किड्स कैरेक्टर्स, इस तरीके से, और यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे। कैरेक्टर लेने के बाद हमें डिस्टेंस सेलेक्ट करनी है कि हमें कैरेक्टर कहाँ तक मूव कराना है। अब हम इन्हें वॉक मोशन देंगे, तो हमने कैरेक्टर को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ तक मूव करा के लेके जाना है, जहाँ तक आपको मूव कराना है। तो इस तरीके से, और हम एक्शन मेन्यू पर जाएंगे और इसे वॉक मोशन दे देंगे। टाइमलाइन पर जाएंगे और इस कैरेक्टर के मोशन की लेंथ को बढ़ा लेंगे इस तरीके से। इसके बाद हमें चेक करना होगा कि हमारा मोशन एक्स्ट्रा तो नहीं है, हमें जहाँ तक मूव कराना है। उसके बाद हम यहाँ पर जाकर मोशन को देखेंगे और यहाँ पर राइट क्लिक करके इसको ब्रेक कर देंगे और एक्स्ट्रा मोशन को डिलीट कर देंगे। इस सीन में पहले ओल्ड वुमेन वॉक करेगी, उसके बाद बाकी के दो कैरेक्टर मूव करने वाले हैं। तो ओल्ड वुमेन कैरेक्टर कहाँ तक मूव कर रहा है, उसके बाद हमें बाकी के दो कैरेक्टर को मूवमेंट देनी है। ओल्ड वुमेन 140 फ्रेम तक मूव कर रही है, उसके बाद हमें बाकी के दो कैरेक्टर को मोशन देना है। तो राइट क्लिक करेंगे, एक्शन मेन्यू पर जाएंगे और वॉक मोशन दे देंगे। एनिमेशन स्टोरी बनाने के लिए आपको मोशन की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो मैंने मोशन के जो वीडियो है मैंने यूट्यूब चैनल पर डाली हुई है, आप वहां जाके देख सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर भी मैं आपको बता रही हूँ कि मोशन आपको किस फ्रेम के बाद देना है। इनिशियल पॉइंट से हमारा वुमेन कैरेक्टर मूव कर रहा है, उसके बाद हमें बाकी दो कैरेक्टर मूव कराने हैं। तो हमें ओल्ड लेडी के फ्रेम पता होने चाहिए और उसके बाद ही हम बाकी दो कैरेक्टर को डिस्टेंस देंगे और उसके बाद हमें मोशन देना है। इसके बाद हमें जो दूसरी चीज पता होनी चाहिए वो है ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म का मतलब है कि कैरेक्टर मूव करना स्टार्ट कर देता है, और अगर वॉक मोशन भी ना हो तो भी वो मूव करना स्टार्ट कर देगा। ट्रांसफॉर्म को ले जाकर 140 फ्रेम तक ले जाना है, क्योंकि हमें यहाँ के बाद ही कैरेक्टर को मूव कराना है। अपने किड्स कैरेक्टर 140 फ्रेम के बाद ही मूव करेंगे, तो हम ट्रांसफॉर्म को वहां तक ले जाएंगे और उसके बाद वॉक मोशन देंगे।
इसके बाद हमें अपने कैरेक्टर को यहाँ स्टैंड कराना है। अगर आपके पास स्टैंडिंग मोशन है तो आप यहाँ स्टैंडिंग मोशन लगा दीजिए, अगर नहीं है तो आप अपने ही मोशन में से चेक करिए कि कौन से फ्रेम पर आपका स्टैंडिंग मोशन बन रहा है। तो मैं यहाँ बैक जाकर देख रही हूँ कि मेरे कैरेक्टर यहाँ पर स्टैंडिंग पोजिशन में आ रहे हैं, तो मैं यहाँ तक अपने फ्रेम को ले जाऊँगी और राइट क्लिक करके बाकी के मोशन को डिलीट कर दूंगी। हमारे इस सीन के सारे मोशन क्रिएट हो चुके हैं और अब इसके बाद हम अपने कैरेक्टर को फेशियल एक्सप्रेशंस दे लेते हैं। उसके लिए हमें अपने कैरेक्टर्स को सिलेक्ट करना होगा और यहाँ से फेस पपेट पर जाना है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि इसको कैसे यूज़ करते हैं। रिकॉर्ड पर जाएंगे और बैक स्पेस प्रेस करेंगे और जहाँ तक हमारा कैरेक्टर मूव कर रहा है वहाँ तक हम फेशियल एक्सप्रेशन दे देंगे। यहाँ हमने अपने तीनों कैरेक्टर को वन बाय वन फेशियल एक्सप्रेशंस दिया है और इसके बाद हम चेक करेंगे कि ये कैसे वर्क कर रहा है। हमारा सीन यहाँ तक क्रिएट हो गया है। इसके बाद हम देंगे कैमरा मोशन। कैमरा मूवमेंट देना बहुत ज़रूरी होता है सीन में और ये हम कैसे करते हैं ये मैंने आपको लास्ट वीडियोस में भी बताया हुआ है और इसके लिए ट्यूटोरियल भी बनाया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि राइट हैंड साइड पर अपर साइड में जो वीडियो आइकन है रिकॉर्डिंग का, उसको हम क्लिक कर लेंगे और उसके बाद हम जूम इन करेंगे सीन को और ये इसी तरह से मूव होगा। इसके बाद आप देखेंगे कि ये किस तरह से वर्क कर रहा है और क्या इफेक्ट डालता है वीडियो में। ये देखिए, इससे काफी अच्छा इफेक्ट आता है आपके वीडियो क्रिएशन में। आज हमारे इस सीन में कैरेक्टर्स बोलने वाले हैं अपने अपने डायलॉग। लिप सिंकिंग के लिए हमें यहाँ पर डायलॉग्स देना होगा, तो उसके लिए मैं लेफ्ट हैंड साइड पर क्रिएट स्क्रिप्ट पर जाऊंगी और यहाँ से रिकॉर्ड कर लूंगी। तो लिप सिंकिंग हम चाहे तो वीडियो एडिटिंग के टाइम पर दे सकते हैं और चाहे तो यहाँ पर भी दे सकते हैं। मुझे यहाँ पर एक छोटा सा मोशन देना है अपने ओल्ड वुमेन कैरेक्टर को जिसमें ये अपना हैंड मूव करेगी। उसके लिए हम मोशन में जाकर ट्रांसफॉर्म में वर्क करेंगे। ये ट्रांसफॉर्म है और यहाँ से हमने इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पेस्ट कर लिया है क्योंकि ये हमें एक जैसा चाहिए एक पर्टिकुलर फ्रेम तक। उसके बाद हम इसको एक मोशन देंगे, यहाँ से यहाँ हम एक डिस्टेंस ले लेते हैं, यानी कि 10 फ्रेम की हमने डिस्टेंस ले ली है और इसके बाद हमने हैंड को मूव कराया है और इसको भी हम कॉपी और एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद पेस्ट कर लेंगे। ये मोशन का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होता है कि मोशन यहाँ से स्टार्ट होगा और कितनी ड्यूरेशन तक ये फिक्स रहेगा और वो ड्यूरेशन पर डिपेंड करता है कि ये मोशन स्लो होगा या फास्ट होगा। अपने मोशन की स्पीड को ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग फिक्स कर लीजिए कि आपको मोशन फास्ट चाहिए या स्लो चाहिए। तो यहाँ पर हम अपना मोशन चेक कर लेते हैं कि ये कैसा वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा मोशन एकदम स्लो मोशन में क्रिएट हुआ है। अगर किसी पॉइंट पर आपको लगता है कि ये मोशन आपको ठीक करना है तो आप टाइमलाइन पर जाइए और पर्टिकुलर उस डॉट को क्लिक कीजिए ट्रांसफॉर्म में जाके और उस डॉट पर आप अपनी मोशन को ठीक कर लीजिए। जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया और मुझे यहाँ पर ये हैंड को ठीक करना है तो मैंने इस हैंड को यहाँ पर ठीक कर लिया। तो इसी तरीके से आपको अपने मोशन को एट ए पॉइंट करेक्ट करना है एवरी टाइम व्हेन एवर यू रिक्वायर्ड। इसके बाद हम रेस्ट अपने टू कैरेक्टर्स पर आएंगे, तो इनमें से हम एक कैरेक्टर चूज कर लेते हैं और एक डिस्टेंस के बाद हमें इन्हें लिप सिंक देना है क्योंकि ये भी हमारे कैरेक्टर डायलॉग बोलने वाले हैं इस वीडियो सीन में। इस सीन में हमारे कैरेक्टर यहाँ से बोलना स्टार्ट करेंगे, तो मैंने इस फ्रेम को सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ से मैं रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर रही हूँ। इसके बाद फिर हम अपना दूसरा कैरेक्टर सिलेक्ट करेंगे और उसी फ्रेम पर आकर, क्योंकि हम चाहते हैं कि दोनों कैरेक्टर एक साथ बोले, उसी फ्रेम पर आकर फिर से हम रिकॉर्डिंग करेंगे एंड देन ओके।
अभी यहाँ इस सॉफ्टवेयर में जो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं वो आप अपने वीडियो एडिटर में जाकर एडिट कर सकते हैं। जो हमने पहले कैमरा मोशन दिया था उस इफेक्ट को हम स्लो मोशन में कर सकते हैं, उसकी डिस्टेंस को बढ़ा के। तो मैं यहाँ पर उसकी डिस्टेंस बढ़ा रही हूँ जिससे ये स्लो हो जाएगा। हमारा सीन जितने भी फ्रेम का क्रिएट हुआ है उनको हम कॉपी और पेस्ट कर लेंगे प्रोजेक्ट सेटिंग में जाकर, क्योंकि हमें इतने ही फ्रेम्स अब रेंडर करने हैं। उसके बाद हम अपर साइड मेन मेन्यू में जाएंगे रेंडर पर, और वहां से रेंडर वीडियो पर जाएंगे, MP4 करेंगे और यहां से क्वालिटी चेक करेंगे एंड देन एक्सपोर्ट। और इसके बाद जाएंगे हम अपने वीडियो एडिटर पर, और जो वीडियो हमने रेंडर की है एड फाइल पर जाकर हम यहाँ से इसको ले लेंगे और यहाँ से ये जो ऑडियो है इसको डिटैच कर लेंगे। और उसके बाद हम इस ऑडियो को जैसे चाहें वैसे एडिट कर सकते हैं, वॉइस भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर ट्रांजिशंस लगा सकते हैं। अब तक हमारे 3 सीन क्रिएट हो चुके हैं। आपको ये एनिमेशन सीरीज कैसी लग रही है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आगे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।